देश दुनिया में उज्जवल किस्म के हीरों के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कब किसकी किस्मत बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहाँ की धरती किसी को भी रातों रात रंग से राजा बना देती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जहाँ एक मजदूर की किस्मत रातों रात बदल गई और मजदूर को चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला, जिसे लेकर मजदूर परिवार हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरे का वजन करवा कर उसे कार्यालय में जमा किया। मजदूर ने बताया कि हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा और अच्छी शिक्षा देगा। इसके साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी वो हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसों को खर्च करेगा। वहीं हीरा निरीक्षक का कहना है कि ये जेम्स क्वालिटी का हीरा है जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड होती है और इसे आगामी हीरा नीलामी में रखा जाएगा। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1.5 महीना हो गया मचाते हैं हमको, आज जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर उसमें लगाएंगे, अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा सर। पढ़ाई लिखाई सर करवा रहे, कहीं अगर लग जाए छोटा मोटा नौकरी, एक बच्ची पढ़ती है 10वीं, 1 11वीं, 1 12वीं। कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत हो रही है सर। ये बताइए फिर वो हीरा को लेकर कहाँ आए हो? कार्यालय में सर। जमा कर? जी जमा कर दिया। परिवार में खुशी है? परिवार में खुशी है सर। सब हमारे से लगाते रहे 10 साल हो गया सर हमको खोदते, नहीं भगवान 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं सब। ट्रैक्टर ड्राई वाली करते हैं मजदूरी, सीजन में चलाते हैं फिर खदान में लग जाते हैं सर। आज एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है और सुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है, उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है, आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 थान मतलब 8 पीस हीरा प्राप्त हुए जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है? हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है, अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत क्या है। तो वहाँ के एक पट्टेदार हैं, उनको श्री चुनवाद, उनको एक हीरा मिला है 19 कैरेट 22 सेंट का, तो वो कार्यालय में आज उन्होंने जमा कराया है और उसकी लगभग अनुमानित कीमत 80 लाख के करीब होना चाहिए। बाकी तो नीलामी में जितना अधिक से अधिक उनको मिल पाएगा, बड़ा हीरा मिला है। अब नीलामी कब की जाएगी सर? कब? शीघ्र ही डेट डिसाइड करके हम बताएंगे, वो जिनको मिला वो उपस्थित रहेंगे और नीलामी में लेने वाले, ओपन ऑक्शन रहता है वो। तो सर पिछले एक साल में अभी तक बड़ा हीरा मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हीरा की नगरी है पन्ना और यहाँ प्रयास लगातार चलते रहते हैं और काफी लोगों को पहले मिल चुके हैं और आगे भी उम्मीद है लोगों को मिलेंगे। जानकारी के अनुसार राजू गोंड ने पिता चुनवादा गोंड के नाम से हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी, जो कि मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसके साथ ही बारिश के दिनों में हीरे की खदान भी लगाया करता था। मजदूर ने बताया कि वह करीब 10 साल से हीरे की खदान लगाए हुए है और उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसे हीरा जरूर मिलेगा। बुधवार को उसे कृष्णा कल्याणपुर पट्टी उथली हीरा खदान में एक चमचमाता हुआ हीरा मिला, जिसे देख मजदूर और उसके परिवार की आंखें चौंधी आ गई। वह हीरा लेकर सीधा हीरा कार्यालय पहुंचा और जब हीरे का वजन करवाया तो वह 19 कैरेट 22 सेंट का निकला।